नमस्कार दोस्तों, और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जैविक वाटिका में। और आज वीडियो की शुरुआत करेंगे हम इस सुंदर से लिलियम के फ्लावर के साथ में। और फरवरी का मंथ अभी शुरू हो गया है, और अब जो हमारे सर्दी के मौसम के जितने भी फूल थे वो अपने चरम पर हैं, और अगले 1-1.5 महीने और इस तरह से ही वो ब्लूम होते रहेंगे। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो हमारा ये प्लांट नहीं है, ये तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अभी इनका ब्लूमिंग कितना अच्छा चल रहा है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊँ कि आज का टॉपिक हमारा क्या है, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली जो वीडियोस रहेंगी उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो, और मैं दिखाता हूं आपको कि मेरा आज का जो टॉपिक है वो क्या है। ये सुंदर सा फ्लावर आप देख रहे हैं, अगर आपने अब से पहले एक फ्लावर देखा है तो प्लीज़ मुझे यहां तक वीडियो देखने के बाद आप कमेंट ज़रूर करें कि हाँ आप इस फ्लावर को पहले से जानते थे, और बताएं कि ये कौन सा फ्लावर है। अब जो सस्पेंस है वो ख़त्म करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ ये पूरा जो मेरा प्लांट है वो कुछ इस तरह से है। ये देखिए, अब आप शायद थोड़ा सा पहचान गए होंगे कि ये किस चीज़ का फ्लावर है। ये फ्लावर है ट्यूलिप का। जी हाँ दोस्तों, सर्दियों में उगाया जाने वाला बहुत ही बेहतरीन फ्लावर और बहुत ही कॉस्टली फ्लावर भी इसे कहते हैं। कुछ ही जगह होती हैं पर्वतीय क्षेत्रों की जहाँ पर इसे ग्रो किया जाता है, और इसकी जो खेती भी की जाती है, एक तरह से बिजनेस भी है ये बहुत अच्छा। मैंने बिजनेस के लिए नहीं लगाया, मैंने तो शौक में अपने गार्डन में इसको 2 पौधे लगाए हुए हैं, और आज इस पर ब्लूम आया था, ये फ्लावर खिला था, तो मैंने सोचा कि आपको भी मैं दिखाऊँ कि इसका कितना सुंदर फ्लावर होता है ट्यूलिप का। मैंने पहली बार अपने गार्डन में इसको ग्रो किया है और पहली बार मैंने इसका लाइव पौधा देखा है। मैं आज आपको बता नहीं सकता कितनी मुझे खुशी मिल रही है कि ये जो फ्लावर मैंने देखा है कितना प्यारा लग रहा है। और इसमें 2 कलर हमारे पास ये निकले हैं, ये हल्का सा पिंक कलर है और ये आप देख रहे होंगे ये रेड कलर है। अब बात कर लेते हैं इस पौधे को लगाने की, इस तरह से इसको लगाया जाता है। देखिए, मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी अब से कुछ दिन पहले जब मैं इसको लेकर आया था, और तब ये ज़्यादा बड़ा नहीं था, मतलब 1 महीने के आसपास का ये ग्रो किया हुआ था। और ग्रो करने का जो मीडियम रहता है वो बल्ब से इसको ग्रो किया जाता है। ये प्लांट मैं नर्सरी से लेकर आया था और मुझे थोड़े से कॉस्टली भी मिले थे, ये होता भी कॉस्टली है, महंगा मिलता है आपको। तो मैंने मुझे अच्छा लगा तो मैं इसको लेकर आया। अब बात करते हैं इसको लगाते कैसे हैं, कौन सा पॉटिंग में कौन सी सोयल मीडिया इसको ज़्यादा पसंद रहती है। देखिए, मैं आपको बता दूं इसको जो वेल ड्रेन, ये कहिए कि रेतीली, क्योंकि पहाड़ों में जो है जहाँ पर ये लगाया जाता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठोस मिट्टी नहीं होती और थोड़ी सी रेतीली मिट्टी होती है, तो इसको रेतीली मिट्टी बहुत पसंद है। और हमने भी लगभग 50-60% रेत लिया है और बाकी 20% इसमें हमने जो गाय के गोबर की खाद होती है पुरानी वो डाली थी, और लगभग 20% के आसपास इसमें हमने गार्डन सोयल मिलाया था। तो इस तरह से इसका मीडिया जो है हमने तैयार किया था, और मेरे ख्याल से लगभग 1 महीना हो भी गया है, क्योंकि मैंने तब बताया था कि इसके जो फ्लावर आते हैं वो फरवरी के मंथ में आते हैं, और फरवरी का मंथ अब शुरू हो गया है तो इसके फ्लावर खिल गए हैं। हालांकि थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इसके फ्लावर जल्दी आए हैं, इतने जल्दी नहीं आने चाहिए थे, मिड फैब में इसके फ्लावर आने थे, लेकिन कोई बात नहीं, फ्लावर आ गए हैं और बड़े प्यारे लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं और बड़ी खुशी हुई है। हालांकि जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसका जो पौधा है वो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, मतलब पौधा लगभग 1.5-2 फीट का तो होगा ही, लेकिन इसका पौधा ये देखने में ऐसे लग रहा है जैसे 1 फीट के आसपास का ये होगा। बाकी इसको हमने इसके अलावा कोई और
फर्टिलाइज़र नहीं दिया है, लगाते टाइम जो दिया था बस वही दिया था। और आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है। और इसका जो फ्लावर है, ये वाला फ्लावर तो जो रेड वाला है वो पूरा खिल चुका है, और इसके अंदर ब्लैक ब्लैक चार पाँच क्या छः इसमें अलग से ब्लैक ब्लैक से हैं कुछ, और बीच में एक अलग बना हुआ है और अंदर येलो कलर इसमें है, तो बड़ा सुंदर लग रहा है ये। और दूसरे वाला है ये भी खिलना बाकी है, पूरा नहीं खिल पाया है, ये देखिए। तो इस तरह से हमारे जो ट्यूलिप के पौधे हमने लगाए थे उन पर अच्छे वाला फ्लावर खिल गया है, और आप भी अपने गार्डन में लगा सकते हैं अगले साल। इसके जो बल्ब होते हैं अगर वो आप बाई करके अपने लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, उससे भी आप ग्रो कर जाएंगे। और दूसरा, अगर आपको बल्ब नहीं लगाने हैं तो आप पौधा भी एक नर्सरी में इसका मिल जाता है, हालांकि आसानी से नहीं मिलता लेकिन मिल जाता है, वो भी आप लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ऐसी और वीडियो हम लाते रहेंगे। आप अपना जो चैनल को सपोर्ट है वो बनाए रखिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और जैसे आप ये वीडियो देखते हैं तो इसको अपने दोस्तों के साथ कम से कम एक बार शेयर जरूर करिएगा, ताकि ये हमारी जो वीडियो है उसका आनंद और लोग भी उठा सकें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।